हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे बगैर देर किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। इट्स माइन, ये लिखा हुआ है, इट्स माइन यानी ये मेरा है। ये क्या है? मेरा है। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। ऑन्स इन अ स्मॉल टाउन, ऑन्स आता है एक दफ़ा के लिए, किसी समय के लिए। तो किसी समय या एक दफ़ा टाउन शहर, एक छोटा शहर, देयर लिव्ड अ यंग मैन, जहाँ पर एक आदमी, नौजवान आदमी रहता था, नेम्ड गोपाल, जिसका नाम क्या था? गोपाल था। He had a house of his own, on खुद का। उसका अपना एक घर था, and ran a small shop for his livelihood, livelihood रह गुजर के लिए, बसर के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए। उसके जिंदगी गुजारने के लिए एक छोटी सी दुकान चल रही थी। What he earned was enough for his family's डे टू डे नीड्स। अब कह रहे हैं व्हाट ही अर्न, जो भी वो कमाता तो काफ़ी होता है ना, काफ़ी होता उसके लिए, उसके परिवार के लिए, दिन ब दिन के ज़रूरत के लिए, डे टू डे, दिन ब दिन यानी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए वो पैसे पूरे होते थे जो भी वो कमाता था। हाउ एवर, हाउ एवर जिस तरह भी, He could hardly save anything for his sister's wedding. यानी जिस तरह भी, हार्डली मुश्किल से वो कुछ बचाता था अपनी बहन की शादी के लिए। वेडिंग कहते हैं शादी को, यानी मुश्किल से वो अपनी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे वो बचा पाता था। After his sister's marriage was fixed, यानी जब उसकी बहन की शादी फिक्स हो गई, तो उसकी बहन की शादी फिक्स होने के बाद, शादी के फिक्स होने के बाद, ही नीडेड, उसको ज़रूरत पड़ी मनी, पैसों की, मनी कहते हैं पैसों, फॉर हर वेडिंग, उसकी शादी के लिए, यानी उसकी बहन की शादी के लिए उसको क्या हुआ, पैसों की ज़रूरत पड़ी। सो इसलिए, ही वॉज ए वॉरिड मैन, इसलिए वो चिंतित हुआ, यानी वो आदमी क्या हुआ, परेशान हुआ, वर्ड कहते हैं परेशान होने को, वो आदमी परेशान हुआ। वेडिंग रिक्वायर्स, ये वेडिंग जो रिक्वायर्स होता है, वेडिंग यानी शादी की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की होती है, अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कहते हैं पैसे को, खर्चे को, यानी ये शादी के अंदर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, खर्चा आदमी बहुत करते हैं। तो वो शादी क्या हुई, रिक्वायरमेंट हुई बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने की। गोपाल ट्राइड आउट, गोपाल ने क्या किया, कोशिश की, ऑल एवेन्यूज, एवेन्यूज मार्ग यानी वो तमाम रास्ते, बट ही कुड नॉट गैदर, लेकिन वो इकट्ठा नहीं कर पाया, यानी वो तमाम रास्ते अपनाए लेकिन वो इतना इकट्ठा नहीं कर पाया, एज मच मनी एज वॉज रिक्वायर्ड, जितने पैसों की उसको ज़रूरत थी वो तमाम पैसों इकट्ठा नहीं कर पाया, उससे जितना हुआ उसने काम किया। सो ही डिसाइडेड टू सीक, सीक कहते हैं लेना, द हेल्प ऑफ ए चाइल्डहुड फ्रेंड उमेश, इसलिए उसने सोचा, क्या सोचा, उसने निर्णय लिया, अपने मित्र उमेश, जो उसके, जो कि उसका बचपना मित्र था, बचपना दोस्त था, उससे मदद लेने का उसने फैसला कर लिया कि उमेश है, वो मेरा दोस्त है, बचपना दोस्त है, मैं उससे उधार लूँगा और मेरा काम उससे चल जाएगा। उमेश वास अ रिच मैन, उमेश कैसा था, एक मालदार था, एक मालदार आदमी था।
एंड लिव्ड इन द सेम स्ट्रीट, और उसी गली में वो रहता था जिस गली में गोपाल रहता था, उसी गली में वो भी रहता था। व्हेन गोपाल अप्रोच्ड, पहुंचना हिम उसके पास, जब गोपाल पहुंचा उसके पास, ही रीडीली आसानी से गेव 5,000 रुपीज़, उसको 5,000 रुपये दे दिया आसानी से, यानी 5,000 रुपये उसको गोपाल को आसानी से दे दिया। किसने दिया? उमेश ने दिया गोपाल को। आफ्टर हिज सिस्टर्स वेडिंग वाज सोलमनाइज्ड, जब उसके आफ्टर यानी उसके बहन के शादी के सोल्व होने के बाद, तय हो जाने के बाद में, यानी शादी हो जाने के बाद में, गोपाल वाज इन हैवी डेब्ट्स। डेब्ट्स कहते हैं कर्जा, यानी गोपाल बहुत भारे कर्जे में डूब चुका था, वो बहुत भारे कर्जे में चला गया था। एज हिज इनकम वाज स्मॉल, जबकि उसकी इनकम कैसी थी? थोड़ी थी, वो पैसा कम कमाता था। ही कट डाउन ऑल टाइज, तमाम रास्ते उसने अपना लिए ऑफ एक्सपेंसिव, खर्चे के एतबार से। एंड स्टार्टेड टू रिपे, और उसने चुकाना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया चुकाना अपने कर्जों को, हिज डेब्ट, अपने कर्जों को बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, यानी थोड़ा थोड़ा करके उसने अपना कर्जा चुकाना शुरू कर दिया। आगे, एज ही हैड टू पे इंटरेस्ट कहते ब्याज को, यहाँ तक उसने क्या कर दिया? चुका दिया ब्याजों को भी, यानी ब्याज देना भी शुरू कर दिया उसने, ब्याजों को भी चुका दिया, तो सब कर्जों को उसने चुका दिया। द डेब्ट ही कुड क्लियर वाज स्टिल स्मॉलर, जो कर्जा क्लियर था, क्लियर होना था, वो अभी भी थोड़ा बचा हुआ था, अभी थोड़ा बचा हुआ था। सो रीपेइंग द डेब्ट्स वाज टेकिंग टाइम, इसलिए वो चुका रहा था कर्जों को समय 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 के अनुसार, वो कर्जों को चुकाता चला जा रहा था। एज फॉर उमेश मनी, जैसे कि पैसा किसका था? उमेश का था, वो सारा पैसा उमेश का था। गोपाल थॉट ही वॉज हिज फ्रेंड, गोपाल ने सोचा कि ये मेरा दोस्त ही तो है, उमेश क्या है, मेरा दोस्त ही तो है, थोड़ा इंतजार कर लेगा। सो ही कुड वेट अ लिटिल लॉन्गर फॉर हिज मनी, तो अपने पैसे के लिए क्या करेगा, वह थोड़ा इंतजार ही कर लेगा, थोड़ा रुक ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। बट उमेश हैड अ विक्ड आइडिया अप हिज माइंड, तो उसके दिमाग में एक शैतानी, एक बदनीयती ख्याल आया, एक गलत ख्याल आया उसके दिमाग में। क्या आया? ही वॉन्टेड टू ग्रैब गोपाल्स हाउस, ग्रैब कहते हैं हथियाने को, कब्जा करने को। उसने सोचा कि गोपाल का जो हाउस था, घर था, उसको कब्जा कर लूँगा इन अ वाइल्ड मैनर्स, एक गलत तरीके से, गलत रास्ते से। सो ही वेंट टू हिम एंड सेड, इसलिए वो उसके पास गया, गोपाल के पास गया और कहा, रिटर्न माई मनी, मेरे पैसे वापस करो। अब इसके बाद इतने पैसे थे नहीं बेचारे, पैसे वापस कैसे करता है? ये तो गोपाल ये समझ रहा था उमेश मेरा क्या है, छोटा दोस्त है और थोड़ा रुक जाएगा, मैं उसको अदा कर दूंगा, बट वो आगे मांगने के लिए पैसे, अब देखो क्या होता है। गोपाल रिप्लाइड, गोपाल ने क्या किया? जवाब दिया, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, I shall surely repay your money, मैं सचमुच में तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा, तुम्हें चुका दूंगा, तुम्हें दे दूंगा। But give me, लेकिन मुझको दो समटाइम, कुछ समय दो, मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं आपके पैसों को आसानी से अदा कर दूँ। I am really grateful to you for your help, जो तुमने मदद करी है मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, grateful, शुक्रगुजार, आभारी होना। You know that I am honest, तुम्हें पता है कि मैं क्या हूँ, ईमानदार हूँ। And your money is safe, और तुम्हारा जो मनी है, तुम्हारा पैसा, वो सुरक्षित है, वो सेफ है, महफूज है। Next month onwards I shall begin to repay you in installments, अगले महीने ही मैं तुम्हें चुका दूंगा, तुम्हें चुकाना शुरू कर दूंगा इंस्टॉलमेंट को, जो तुम्हारी किस्त बाकी हो तुम्हें अदा कर दूंगा।
उमेश ने कहा नो आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर, मैं कुछ और नहीं इंतजार कर सकता। एम्फेसाइज्ड उमेश, उमेश ने कैसा कहा, जोर देकर के कहा, गोपाल को जोर देकर कहा मैं अब ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूँ। यू मिस्ट रिटर्न माई मनी, तुम्हें मेरे पैसे अब वापस करने चाहिए। आई आई कैन गिव यू वीक्स टाइम एट द मोस्ट, एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा। आई कैन गिव यू, मैं तुम्हें दे सकता हूँ एक हफ्ते का समय, मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय और दे सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकता हूँ, मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय और दे सकता हूँ। उमेश वॉक्ड अवे ओनली टू रिटर्न नेक्स्ट वीक टू हर एब्यूसेस, हर एब्यूसेस यानी गाली देना, एंड इंसल्ट एट गोपाल, और गोपाल की बेइज्जती करने के लिए। उमेश जैसे चला यानी हफ्ता के लौटते ही वो उसके पास आया, गोपाल के पास आया, किसके लिए, इंसल्ट करने के लिए और उसको गाली देने के लिए, गाली पुख्ता करने के लिए। ही सैड, उसने कहा, क्या कहा, आई डॉट इफ एट ऑल यू विल पे माई मनी, मुझे शक है कि तुम मेरे पैसा अदा कर दोगे, मुझे क्या है, मुझे डाउट है कि तुम मेरे, आई डॉट, मुझे डाउट है एट ऑल मुकम्मल तरीके से तुम मेरे पैसे चुका दोगे, दे दोगे। हाउ कैन आई मेक यू बिलीव, तो मैं तुम्हें कैसे यकीन कर सकता हूँ, मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ, आस्क, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ, आस्क गोपाल, गोपाल ने कहा। उमेश सेड, उमेश ने कहा वेल ठीक है, यू फी थिंक यू आर अनेस्ट, अगर तुम्हें लगता है कि तुम क्या हो, एक ईमानदार हो, देन यू मस्ट अकम्पनी मी टू द कोर्ट, अकम्पनी कहते हैं साथ में चलने को, साथ में होने को, तो तुम्हें साथ में होना चाहिए यानी साथ चलना चाहिए कोर्ट तक, ठीक है ना, फैसले के लिए। एंड मॉर्टगेज, मॉर्टगेज कहते हैं गिरवी रखना, किसी सामान को किसी चीज़ के बदले में क्या करना, गिरवी रखना, योर हाउस यानी अपने घर को, हाउस को क्या करो, गिरवी रखो, तुम ही मेरे पास, इन लियू ऑफ के ज़रिए, द डेब्ट कर्जे के ज़रिए, कर्जे के तौर पर यानी जो तुमने मुझसे कर्ज़ा लिया है, कर्जे के तौर पर अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने घर को मेरे यहाँ गिरवी रखना होगा, तब बात बनेगी। Now Gopal could understand what Umesh wanted. अब गोपाल समझ गया कि उमेश क्या चाहता है, अब इसके बाद समझ में आ गई। He wants my house for such a small money. यानी जो थोड़े बहुत पैसे रहेगा ना, उन थोड़े पैसों में क्या करना चाहता है, वो मेरे घर को हथियाना चाहता है, लेना चाहता है वो। His mind, उसके दिमाग में बात चल रही थी, सॉरी ये गलत बोल दिया मैंने, आगे है ही इज ट्राइंग टू एक्ट क्लेवर, वो क्या कर रहा है, चालाकी कर रहा है, उमेश क्या कर रहा है मेरे साथ, चालाकी कर रहा है। आई मस्ट टीच हिम अ लेसन, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सबक सिखाना चाहिए उसको, मुझे सिखाना चाहिए उसको एक सबक। गोपाल डिसाइडेड, तो गोपाल ने क्या किया, फैसला ले लिया इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, यानी उसके दिमाग में ये विचार आया कि भैया अब मुझे क्या करना चाहिए, उसको सबक सिखाना चाहिए। वेल एज यू विश, चलो ठीक है जैसा तुम चाहो। तो उमेश से इसलिए गोपाल ने कहा ठीक है जैसा तुम चाह रहे हो, ठीक है भैया ऐसा कर लो। सेड गोपाल टू उमेश, गोपाल ने उमेश से कहा बट यू सी, लेकिन तुम्हें पता है, तुम जानते हो, तुम देखते हो, आई एम पुअर नाउ, अब तो मैं गरीब हूँ, एंड हैव नो गुड क्लोथ्स एंड शूज़, ना मेरे पास कपड़े हैं, ना जूते हैं पहनने के लिए टू वियर, एंड नो हॉर्स टू राइड, और सवारी होने करने के लिए क्या घोड़ा नहीं है। हाउ कैन आई गो बिफोर द किंग, तो मैं किस तरह राजा के सामने जाऊँगा इन दिस पुअर कंडीशन, इस गुर्बत की हालत में, तो इस गरीबी हालत में मैं राजा के सामने में कैसे जाऊँगा, आप ही बताओ। प्लीज़ वेट फॉर अ
few more days so that I can arrange these things. तो कह रहे हैं कि प्लीज़ कृपया करके इंतज़ार करिए कुछ और दिन, ताकि मैं क्या कर लूँ, अरेंज कर लूँगा ये सब चीज़ों को, मैं ठीक कर लूँगा, यानी जो मेरे पास ज़रूरत के सामान नहीं है, घोड़े नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, ये सब मैं अरेंज कर लूँगा, फिर साथ होकर के चलेंगे। उमेश वाज हैप्पी, उमेश खुश था, दैट गोपाल हैड एग्रीड, चलो गोपाल राजी तो हो गया टू हिज डिमांड, उसके डिमांड पर, यानी उमेश का जो डिमांड था। ही वॉन्टेड द हाउस, वो तो घर चाहता था, मोर्टेज गिरवी रखना टू हिमसेल्फ, खुद के पास में, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी मुमकिन हो भैया ये अपना घर मेरे पास गिरवी रखे, सो दैट ही कुड प्लान टू परचेज इट टू, ताकि वो इसको भी क्या कर सके, हथिया सके, कब्जा कर सके, परचेज इट यानी घर को भी क्या कर सके, कब्जा कर ले सके, इस पर भी अपना अधिकार जमा ले। अपरेंटली ही सैड, स्पष्ट रूप में उसने कहा, यानी कि जाहिर तौर पर उसने कहा, गुड गुड क्लोथ्स एंड हॉर्स आर नो बिग थिंग्स, तो कपड़े का होना, अच्छे कपड़े का होना और घोड़े का होना ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये उमेश ने गोपाल से कहा, जाहिर तौर पर दिखलाने पर, दिखलावे तौर पर कहा, अपरेंटली स्पष्ट यानी दिखलावे तौर पर सामने कह दिया कि भाई ये कपड़े का होना, घोड़ा का होना कोई बड़ी बात नहीं है। आशिल जस्ट अरेंज, मैं तुरंत ही क्या करूँ, अरेंज कर दूँगा इनको फॉर यू, तुम्हारे लिए, जस्ट गेट रेडी, तुम्हें रेडी हो जाना टू गो टुमोरो, सुबह चलने के लिए, कल को चलने के लिए क्या करना तुम, उसके लिए तैयारी हो जाना। अ कपल ऑफ हॉर्स लेटर, और ये जो जोड़ा था, कपल था, घोड़ों का जो जोड़ा था, है ना, ये बाद की चीज़ थी। उमेश रिटर्न टू गोपाल विद अ सैडल्ड हॉर्स, तो उमेश वापस आया गोपाल के पास में जीन कसा हुआ घोड़े के साथ में, घोड़ा भी कैसा आया, जीन कसा हुआ था, जीन लगा हुआ घोड़ा साथ लेकर के आया। सैडल्ड हॉर्स यानी जीन कसा हुआ घोड़ा, क्लोथ्स कपड़ों को लेकर के, टर्बन पगड़ी को लेकर के, जूतों को लेकर के, शूज एंड वेस्ट बेल्ट और कमर का बेल्ट लेकर के, एंड सेड और कहा, नाउ यू हैव एवरीथिंग यू वांट, अब तुम्हारे पास वो चीज़ें हैं जो तुम चाहते थे, जिसकी तुम्हें तमन्ना थी। गेट रेडी इन द मॉर्निंग, अब तुम कल सुबह क्या करना, तैयार हो जाना। आई विल कम टू टैक यू, मैं तुम्हें ले जाऊँगा एट द सनराइज, सूर्य उदय होते ही सुबह निकलते हम लोग यहाँ से चल पड़ेंगे। नेक्स्ट डे, अगले दिन गोपाल वोर द क्लोथ्स एंड अकम्पनीड उमेश टू द रॉयल कोर्ट्स, तो अगले दिन गोपाल ने क्या, वो पहन लिए कपड़ों को और वो साथ गया किसके, उमेश के रॉयल कोर्ट, शाही दरबारी में, शाही दरबारी में वो जाके पहुंच गया। आफ्टर दे फर एडमिटेड इन टू द किंग्स ऑडियंस, तो राजा के दरबार में एडमिट करने के बाद, इनके पहुंचने के बाद, यानी दोनों के पहुंचने के बाद में, उमेश प्लीडेड हिज केस, उमेश ने पेश किया अपना केस को, किसके सामने में, राजा के सामने। द किंग नोडेड, तो राजा ने क्या, वो गर्दन हिलाया एंड आस्क गोपाल, और गोपाल से पूछा टू प्रेजेंट हिज केस, अपना केस पेश करने के लिए, यानी अब गोपाल से कहा कि तुम अपना केस पेश करो, तुम्हारा क्या केस है। गोपाल सेड, गोपाल ने कहा, सर उमेश क्लेम्स दैट एवरीथिंग दैट आई हैव बिलोंग्स टू हिम, तो सर उमेश दावा करता है कि हर वो चीज़ है ना जो मेरे पास है, दैट आई हैव, जो मेरे पास है वो उसका है, बिलोंग टू हिम, वो उसका है।
ही फालसली एक्यूसिस में, वो झूठे तरीके पर मुझे तकलीफ देता है, मुझे सताता है। दैट आई हैव, कि मैंने हिज मनी, कि मैंने उसका पैसा ले रखा है, एंड थिंग्स, और चीज़ें ले रखी है, मैंने उसके पैसे ले रखे, यानी वो झूठे तरीके से मुझे फंसाना चाहता है। इनफैक्ट हकीकत में ही हैज़ गॉन क्रेजी, हकीकत में क्या है, वो पागल हो गया है, उसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो राजा क्या कह रहा है, सैड देखें, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। सर इफ़ यू परमिट मी टू इंटरोगेटिव उमेश बिफोर यू, सर आप मुझे इजाज़त दें प्रश्न पूछने का उमेश से, बिफोर यू तुम्हारे सामने, आई शिल बी एबल टू प्रूफ, तो मैं साबित कर दूंगा, हाउ मेनी सीयर्स ही स्टार्ट टुवर्ड मी, कि वो मेरी तरफ क्या बदनीयती से किस तरीके से मुझे परेशान करता है, यानी बदनीयती से मुझे हड़पना चाहता है। प्लीडेड गोपाल, तो पेश करो गोपाल, परमिशन इज गारंटेड, परमिशन क्या है, तुम्हें मिल गई है, सैड द किंग राजा ने कहा है। थैंक यू सर, सैड द गोपाल, गोपाल ने कहा। ही देन आस्क्ड उमेश, उसने तभी पूछा उमेश से, टेल मी हूज दिस ड्रेस इज दैट आई वियर, तुम ये बतलाओ कि जो जो ड्रेस पहन रखा है मैंने, ये किसका है, हुज़मिस किसका, ये किसका है, आई वियर जो मैंने पहन रखा, दैट आई वियर, तो इट्स माइन, रिप्लाइड उमेश, तो उमेश ने जवाब दिया कि ये मेरा है, इट्स माइन, विदाउट रियलाइजिंग, बगैर सोचे समझे, कुछ सोचा नहीं समझा, एकदम से बोल दिया, व्हाट ले इन स्टोर फॉर हिम, जैसे कि उसके स्टोर में बात रखी हुई थी, उसके दिमाग में बात एकदम से पहले से पड़ी हुई थी। एंड दिस टर्बन, और ये पगड़ी, इट्स माइन, मेरी है। दिस पेयर ऑफ शूज, और जूते के जो जोड़े हैं, इट्स माइन, ये मेरा है। दिस वेस्ट बैंड, और ये कमर का बैंड, इट्स माइन, ये मेरा है। दैट हॉर्स, ये घोड़े, इट्स माइन, ये मेरा है। तो सब क्योंकि उमेश ने दिया था इसे, इसलिए वो सब, लेकिन इसने चालाकी करी है। इट्स माइन एंड माई हाउस, और मेरा घर, इट्स माइन, ये मेरा है। देन गोपाल सेड टू द किंग, तभी गोपाल ने किससे कहा, राजे से कहा, नाउ यू कैन सी, अब तुम खुद देख सकते हो, फॉर योर सेल्फ, अपने आप से, दैट ही क्लेम्स, कि जो मुझे दावा कर रहा है टू बी हिज, कि उसका अपने होने का, व्हाटएवर आई हैव, जो कुछ भी मेरे पास है, यानी जो कुछ मेरे पास है, वो सब हथियाने का वो कर रहा है, आपके सामने की बात देखो। आई रिक्वेस्ट दैट ही मे बी आस्क नॉट टू बी परटर्ब मी फॉर हिज क्रेजीनेस एंड मेक माई लाइफ डिफिकल्ट, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मुझे परेशान ना करें, आप उनसे कहिए कि वो मुझे तंग ना करें फॉर अपने पागलपन की वजह से और मेरी ज़िंदगी को दुश्वार बनाने में। द किंग एंड द कर्टियर्स बिगेन टू लाफ एट उमेश, तो राजा और राजा के जो दरबारी थे वो सब उसके उमेश के ऊपर क्या हुए, हंसने लग गए, कर्टियर्स दरबारी उमेश पर हंसने लगे। द किंग गैव हिज वर्डिक्ट, तो राजा ने अपना फैसला सुनाया, क्या सुनाया, गोपाल हैज प्रूफ बियॉन्ड डाउट दैट उमेश इज अ सोर्स ऑफ न्यूसेंस टू गोपाल, न्यूसेंस कहते हैं परेशान करना गोपाल को, तो गोपाल ने प्रूफ कर दिया था उस शक को जो उमेश गलत ख्याल गलत लगा रहा था, इल्ज़ाम लगा रहा था किसके ऊपर में, गोपाल के ऊपर में। उमेश केस डिसमिस, तो उमेश का जो केस था वो डिसमिस हो गया, उसको बंद कर दिया गया। एंड ही इज वॉर्न, और उसको वार्निंग मिल गई टू मैंड हिज वे, अपने रास्ता को सही करने का, अपने रास्ते को क्या करो, सही कर लो, मैंड हिज वे, सही करो अपने तरीके को। इफ़ ही डज नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ, ही विल हैव टू गो टू जेल, तो इसको
जेल जाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया इसने तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। नाउ उमेश वाज नो मोर एबल प्रेशर गोपाल। तो अब क्या हुआ, उमेश जो है ज़्यादा जो है प्रेशर ना दे पाया गोपाल पर, गोपाल को वो प्रेशर ना दे पाया। गोपाल हाउ एवर वॉज अनेश, गोपाल जो भी था ईमानदार था। हे रिटर्न टू उमेश, तो वापस उमेश के पास आया। वाट आर बियॉन्ड टू हिम, जो भी कुछ भी उसका था है ना वो सब लेकर के। एंड आल्सो रिपेड हिज मनी, और उसके पैसों को अदा करता गया इन इंस्टॉलमेंट किश्तों के रूप में ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू मंथ्स, चंद महीनों के बाद में, चंद महीनों के बाद में उस सब पैसों को क्या किया उसने, लौटा दिया। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा। और जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, नए आए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। आगे यहाँ पर वर्ड मीनिंग है, ये आप खुद याद करेंगे, लिखा हुआ है चंद। वैसे तो मैंने सारी सबकी वर्ड मीनिंग बतला दी है। आगे क्या है, आगे है रीड एंड राइट, पढ़िए और लिखिए। मैं इतनी आहिस्ता से वीडियो बनाता हूँ ताकि एक एक वर्ड्स आपके समझ में आ जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, कृपया करके कमेंट भी करा करिए। गोपाल वाज, अब यहाँ टिक लगाना है, गोपाल वाज रिटर्न रनिंग अ स्मॉल, अब यहाँ डैश में क्या आएगा, फॉर हिज लाइवलीहुड, अपने रहगुजर के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए। उसकी क्या चल रही थी, क्या ट्रेन शॉप फैक्ट्री शॉप चल रही थी उसकी, छोटी सी क्या चल रही थी, दुकान चल रही थी। तो इसको आप क्या करो, डाल दो। डैश वाज रिच एंड लिव इन द सेम स्ट्रीट, उसी गली में रहता था, मालदार आदमी। उमेश था, गोपाल, मोहन, उमेश है, उमेश को अभी टिक कर दूंगा, इस पर आपको टिक लगा देना है। यहाँ पे हम इसको टिक लगा देंगे। इसी तरह उमेश वांटेड टू ग्रैब गोपाल्स डैश शॉप हाउस फैक्ट्री हाउस, हाउस को क्या करना चाहता था वो हथियाना चाहता था। हम इसको यहाँ पर इसको टिक लगा देंगे इस तरीके से। गोपाल वांटेड टू टीच अ लेसन, ये डालना है, इस पर हम टिक लगा देंगे। लेसन टू उमेश, तो गोपाल चाहता था सबक सिखाना उमेश को, उमेश को सबक सिखाना चाहता था। नेक्स्ट डे गोपाल एंड उमेश वेंट टू रॉयल कोर्ट, गए थे शॉप, गए थे प्लेस, गए थे कोर्ट, गए थे दरबार में गए थे। तो यहाँ पे हम इसको टिक लगा देंगे इस तरीके से। आए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिचुएबल वर्ड्स, मुनासिब अल्फाजों के जरिए क्या करें, खाली स्थानों को भरें, खाली जगहों को पूर्ण करें। जैसे गोपाल नीडेड मनी फॉर हिज सिस्टर वेडिंग, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिस्टर लिख देंगे। गोपाल बोरोड, बोरोड कहते हैं उधार लेने को, तो गोपाल ने उधार लिया था 5,000 rupees फ्रॉम हिज फ्रेंड उमेश, उमेश से लिया था, अपने दोस्त उमेश से लिया था। उमेश वांटेड टू ग्रैब गोपाल्स हाउस, यहाँ हाउस भर देंगे, तो उमेश ने चाहा गोपाल के घर को हाउस, गोपाल घर को हथियाना चाहता था। द डैश गैप अ वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ, तो यहाँ पे किंग डाल देंगे। तो राजा ने क्या किया था, फैसला सुना दिया था, फैसला लिया था किसके हक में, ऑफ गोपाल, गोपाल के हक में, गोपाल की हिमायत में। गोपाल पेड हिज डैप्ट, तो गोपाल ने पे कर दिया था, चुका दिया था अपना कर्जा इन अब यहाँ पे आप डाल सकते हैं जैसे इन फ्यू
मंथ्स, इन फ्यू मंथ्स इंस्टॉलमेंट, यानी चंद महीनों के अंदर में क्या किया था इन्होंने, अपना इंस्टॉलमेंट चुका दिया था। चलिए आगे भी आपको क्या करना है, फाल से है यहाँ पे आपको टिक लगाना है, जैसे गोपाल वास द रिचेस्ट मैन ऑफ हिज टाउन। गोपाल क्या था, इन्होंने कहा राइट टी फॉर ट्रू, यानी सच के लिए टी लगाना है और एफ लगाना है झूठी खबर के लिए। तो गोपाल एक बड़ा आदमी, मालदार आदमी था अपने शहर का, हिज टाउन, तो यहाँ पे आप इसको टी बना देंगे इस तरीके से, टी बन गया। उमेश गिव 10,000, 10,000 रुपए टू गोपाल, गलत है तो यहाँ पे इसको एफ बना देंगे, ये फॉल्स है। उमेश वांटेड टू ग्रेव गोपाल हाउस, उमेश चाहता था गोपाल के घर को हथियाना चाहता था, ये ठीक है तो यहाँ पे आप ठीक बना देंगे। गोपाल पुट अ कंडीशन बिफोर उमेश, गोपाल पुट अ कंडीशन बिफोर उमेश, गोपाल ने एक हालत रखी उमेश के सामने में, टू गो टू किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में जाने के लिए। तो गोपाल ने नहीं लिखा था बल्कि उमेश ने लिखा था, ये गलत है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे एफ लगाएंगे। गुड क्लोथ एंड हॉर्स बट नो बिग थिंग्स फॉर उमेश, ये बिल्कुल ठीक है, उमेश के लिए सब चीज़ें वो बड़ी चीज़ें नहीं थी, तो यहाँ पर हम इसको टी लगा देंगे इस तरीके से। आगे भी है कुछ, कुछ सैड, किसने कहा था फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है इसमें किसने कहा था उसके बारे में, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प, यानी तुम्हारे तुमने जो मदद की उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी और शुक्रगुजार हूँ, ये गोपाल ने कहा था। आई कैन गिव यू अ वीक्स टाइम एट द मोस्ट, ज़्यादा ज़्यादा मैं एक हफ्ता तुम्हें दे सकता हूँ, ये उमेश ने कहा था। हाउ कैन आई गो बिफोर द किंग इन दिस पुअर कंडीशन, मैं कैसे ले जा सकता हूँ तुमको इस हालत में, इस गरीबी हालत में, नहीं जा सकता सॉरी, हाउ कैन आई गो, मैं किस तरह जा सकता हूँ राजा के सामने में इस गरीबी हालत में, तो ये किसने कहा था, सैड द गोपाल ने कहा था। टेल मी हु दिस ड्रेस इज दैट आई वेयर, जो मैंने पहन रखा है ये ड्रेस किसका बतलाओ, ये गोपाल ने कहा था किससे ऐसे, इट्स मान ये मेरा, ये कहा था उमेश ने। इफ इट डजंट, इट डज नॉट, अगर ऐसा नहीं है यू विल हैव टू गो टू जेल, फिर उसको जेल जाना पड़ेगा, ये किसने कहा था, ये राजा ने कहा था। अगर क्वेश्चन आंसर है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप चाहते हैं कि क्वेश्चन भी बयान कर दूँ, तो आप प्लीज़ कृपया करके मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसे लगी है, और जो भाई मेरे नए चैनल पर नए आए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।